नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है तरबूज के 3 मुख्य रोग और उसका प्रबंधन। तरबूज भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फल की फसल है और इसकी खेती से किसानों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है। तरबूज की फसल को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह कम समय में ज्यादा उत्पादन देता है। तरबूज की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं जिससे उसकी उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे तरबूज की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पत्ती मोड़क विषाणु रोग, सुकारा रोग और फल सडन रोग एवं उनके प्रबंधन के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं तरबूज की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले पत्ती मोड़क विषाणु रोग के बारे में। पत्तियों पर छोटे छोटे अनियमित पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पौधे की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है और पत्ती का आकार सामान्य से छोटा होता है। संक्रमित पौधों पर फूल हरी पंखुड़ियों से विकृत हो जाते हैं। संक्रमित पौधे के फल पीले होकर और आकार में छोटे रहते हैं और उसमें विशिष्ट हरी रेखाएं दिखती है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दे और 10 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाए। रोग को फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। फफूंदनाशक की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हो। आइए देखते हैं तरबूज की फसल को दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला सुकारा रोग के बारे में। शुरू में पौधे की पत्तियों की सिराएं पीली और मुरझाते हुई दिखाई देती है। पत्तियों नीचे से ऊपर की ओर उत्तर मुरझा जाती है। रोगग्रस्त तने और जड़ें अंदर से गहरे भूरे रंग में बदल जाती है। फल पर सफेद या गुलाबी रंग की फफूंद विकसित होती है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाए। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करे। खेत में पानी की कमी न होने दे और नियमित रूप से सिंचाई दे। रोग को फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। फफूंदनाशक की लिस्ट और उसका विवरण आपके स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंत में जानते हैं तरबूज की फसल को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले फल सडन रोग के बारे में। रोग पहले पुराने पत्तों पर छोटे विभिन्न रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और बाद में तनों और फलों में फैल जाते हैं। फलों पर छोटे गोलाकार काले धब्बे बन जाते हैं जो फल को पूरी तरह सड़ा देते हैं और फल काला होकर सिकुड़ जाता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दे। रोग को फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। फफूंदनाशक की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग की सलाह के लिए सयाजी सीड्स की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना न भूलें।